Hello dear students, welcome to No Chemistry. In the past few lectures we discussed types of chemical reaction and another topic what we can call as corrosion. As per today topic is concerned, this topic is continuously asked in the previous examination. If you check out all the previous papers, you will find this question is asked continuously. So as per today topic is concerned, that's rancidity, one of the beautiful topic I love to explain. I love this topic. So without waste of time, let's get started. So, when fats and oil oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास फूड होता है, कोई भी फूड, आप एप्पल की बात करो, आप बनाना की बात करो, आप ब्रेड की बात करो, कोई भी फूड आप ले लो, तो आप क्या देखते हो कि मान लो कि आपने कोई फूड जो है वो 5-6 दिन या 10 दिन या 20 दिन आपने ऐसे ही छोड़ा है. सो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप जब ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें एक लेयर चढ़ती है, एक व्हाइट लेयर चढ़ती है उसपे, और आप ऑब्जर्व करते जो उसका टेक्सचर होता है या जो उसकी अपीयरेंस होती है, तो वो क्या होता है, खत्म. एक्चुअली होता क्या है कि वो फूड जो आपने रखा है बहुत देर के लिए, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. अब सर, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है कि उसमें ऐड क्या हुआ है, ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन किसी भी फूड पे कंटिन्यूअसली अटैक करता है तो इसका टेक्सचर और इसकी अपीयरेंस क्या होती है, चेंज. और वो फूड जो आपने रखा है उसमें जो टेस्ट या स्मेल है वो क्या होती है, बिल्कुल चेंज, और वो फिर खाने के लायक नहीं होता है और उसमें बैड स्मेल आती है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एप्पल है, तो एप्पल की बात करो, अगर एप्पल पहले उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर, लेकिन अगर एप्पल को आपने रखा है बाहर एटमोसफेयर में या आपने, अगर आपने अंदर भी रखा है, आप देखते हो कि 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या आफ्टर 25 डेज आप ऑब्जर्व करते हो उस पर एक लेयर चढ़ती है ब्लैक कलर की, तो वो पूरा केला जो क्या होता है, खराब. एक्चुअली खराब इसलिए होता है कि इट इज, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सो इसकी स्मेल जो है या इसका जो टेक्सचर है वो क्या होता है, सब खत्म. सो इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. सो व्हेन फैट्स इन ऑयल इज ऑक्सीडाइज्ड, जब भी हमारे पास कोई फैटी सब्सटेंस होगा या हमारे पास कोई ऑयली सब्सटेंस होगा, वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, यानी कि उनमें एड क्या होगा, ऑक्सीजन. सो दे बिकेम रेंसिड, वो क्या होता है, रेंसिड. अब रेंसिड इसलिए होता है कि उनमें क्या होता है, एड, ऑक्सीजन. अब इससे सर क्या होता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि उनका एक तो स्मेल चेंज होता है, यानी कि पहले उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही खुशबूदार होती है, लेकिन आफ्टर रैंसिड, जब इसने ऑक्सीजन अटैक किया, जब वो ऑक्सीडाइज हुए, तो इसकी स्मेल क्या होती है, चेंज, और इसका टेस्ट भी क्या होता है, चेंज. फॉर एग्जाम्पल, हर एक फूड का अलग अपना अपना टेस्ट होता है. सो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप फूड रखते हो बाहर एटमोसफेयर में या अपने रूम में, तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो उसका टेस्ट होता है, जो उसकी स्मेल होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, या हम कह सकते हैं उसका टेक्सचर होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज. सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. सर, आप इस जो रेंसिडिटी है, क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम इसको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. देखो, हम यूज करते हैं पहला वन, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एज एंटीऑक्सीडेंट. नंबर फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट. अब एंटी मतलब अगेनिस्ट, यानी कि ये ऑक्सीडेशन की अगेनिस्ट है, ये ऑक्सीजन होने नहीं देगा. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. हमारे पास बहुत से जंक फूड है, लाइक मैं आपको एक आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, या लेज की बात करो आप, कुरकुरे की बात करो, या आजकल जो बिंगो वगैरह, या हमारे पास नॉटी बीन है, जितने भी हमारे पास फास्ट फूड या जितने भी हमारे पास जंक फूड्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपने वो रैपर ओपन किया होगा, उसके अंदर जो है, जब आप रैपर ओपन करते हो तो उसके अंदर जो गैस फिल की जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ये सोचते हो कि शायद इसमें ऑक्सीजन फिल होगा, ना, वो एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं होता है, इट इज एक्चुअली नाइट्रोजन. या अगर आप बिस्किट की बात करोगे, तो जब बिस्किट को ओपन करते हो, तो अगर आप ये सोचते हो कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, ना, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, वो होता है नाइट्रोजन. सर, ऑक्सीजन क्यों नहीं, व्हाई नाइट्रोजन? अब नाइट्रोजन की एक क्वालिटी ये है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है. वायरस, हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ये हर एक के साथ रिएक्ट करता है और इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज. जो हमारे पास पहला एंटीऑक्सीडेंट है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन. कोई भी जंक फूड हमारे पास अगर अवेलेबल होगा, या हमारे पास ऑयल होगा, फैट होगा, तो इसको बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम यूज क्या करते हैं, नाइट्रोजन. अब इस नाइट्रोजन की खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि ये इस फूड को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ही आप इसका रैपर ओपन करते हो, आप लेज की बात करो, आप कुरकुरी की बात करो, आप जो है बिस्किट, किसी भी बिस्किट की बात करो, अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, जो ही आप रैपर ओपन करते हो ना, आप देखते हो कि 1 या 2 दिन के बाद वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट.
अब वो सर सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज. जो हमारे पास व्हेन फेट्स इन ऑयल इज ऑक्सीडाइज्ड दे बिकेम रैंसिड. आप ऑब्जर्व करते हो जो बिस्किट में पहले दिन मजा होता है जब आप रैपर ओपन करते हो, आप देखोगे जब दो दिन आप वही बिस्किट खाओगे ना, उसमें एक तो स्मेल चेंज होगी और उसका क्या होगा टेक्सचर, जो उसका टेक्सचर होगा या इसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी चेंज. सो इसका मतलब क्या है, वो फूड क्या हुआ है रैंसिड. तो इसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट. अब किसी भी फूड को बचाने के लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट. पहला हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट क्या है, नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन की खासियत ये है कि ये फूड को खराब होने नहीं देता है. इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि ये नाइट्रोजन जो है ये फूड को खराब होने नहीं देता, ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, क्योंकि ये क्या है इनर्ट. सो पहला क्या है, हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट इन फैटी एंड ऑयली सब्सटेंस. देखो दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर, इट इज रेफ्रिजरेटर. देखो अगर आप किसी भी फूड की बात करोगे तो हम इसको क्या रखते हैं रेफ्रिजरेटर में. उसका मकसद यही होता है कि वो फूड खराब नहीं होता. सर आप वहां पे खराब फूड क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या होता है माइनस. अब जो ही टेम्परेचर माइनस होता है ना, वहां पे हमारे पास जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते. हमारे पास जो हमारे पास नॉर्मल एटमोसफेयर टेम्परेचर होता है ना, तो वहां पे ऑर्गन सर्वाइव करते हैं. लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है माइनस में होता है, तो वहां पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है. तो इसलिए हमारे पास जो फूड होता है वो क्या रहता है ठीक. सो हमारे पास दूसरा तरीका जो है इसको प्रिवेंट करने, किसको रैंसिडिटी को प्रिवेंट या फूड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है रेफ्रिजरेटर. हम फूड को क्या रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है. सो हमें जो फूड है, जो कोई भी फूड हम लेंगे तो वो क्या रहता है सेफ. हमारे पास और एक तरीका है इसको बचाने के लिए, हम यूज करते हैं वैक्यूम पंप. देखो हमारे पास और एक तरीका है. अब इस फूड को बचाने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा रैपर होता है, ठीक है. जब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा रैपर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जितने भी मेरे पास फूड है, या चिकन है या व्हाट्सएवर, कोई भी मेरे पास फास्ट फूड है, कोई भी जंक फूड है, कोई भी फूड लूंगा मैं, तो मैं इसमें क्या रखता हूँ इस रैपर में. अब इस रैपर में सारा ऑक्सीजन बाहर निकालता हूं मैं, राइट. अंडरस्टैंड, मेरे पास एक बहुत बड़ा रैपर है, मैं इसमें क्या रखता हूँ फूड. अब सर मैं इसमें ऑक्सीजन बाहर क्यों निकालता हूँ, क्योंकि यही ऑक्सीजन तो है ना दुश्मन इसका, यही ऑक्सीजन दुश्मन किसका है फूड का, क्योंकि ये क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज. जब मैंने सारा ऑक्सीजन बाहर निकाला, अब एक कॉमन सेंस, अब बचा क्या, वहां पे कुछ नहीं है. अब अगर ऑक्सीडेशन होगी तो कौन करेगा, वो करेगा ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं वहां पे, वो मैंने सारा क्या निकाला बाहर बाय वैक्यूम पंप. सो इस तरह हम बचा सकते हैं फूड को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वट वी कैन कॉल एज रैंसिडिटी एंड इट इज प्रिवेंशन. सो इस तरह जो हमारा पहला यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो क्या हुआ रैप अप. अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, that will based on MCQs, यानी कि जो हमारे पास objectives है जो frequently पूछे जाते हैं examination में. so हम next video में ये cover करेंगे कि जितने भी possible इस chapter के MCQs है वो हम cover करेंगे, ताकि जो आप जब आप examination के लिए जाओगे तो आपको कोई भी वहां दिक्कत नहीं होगी. so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next lecture में.